हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं डोंट से यू लव मी मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 25 है। यूली उस लड़के के साथ पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट जा रही होती है। रास्ते में वो लड़का एक फूड आइटम को स्टेयर कर रहा होता है। ये देख के यूली उसे पूछती है, क्या तुम ये खाना चाहते हो? वो लड़का बोलता है, नॉट रियली। फिर भी यूली उसके लिए खरीद देती है। उस फूड को खाके वो लड़का बोलता है, ये बहुत ही स्वीट एंड डिलीशियस है। देन वो लड़का बोलता है, मुझे ये सारी चीजें जल्दी से खाके खत्म करना चाहिए, अगर मेरे फैमिली को पता चलेगा तो फिर वो मुझे डांटने लगेंगे। यूली बोलती है, खाना खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ स्ट्रीट कॉर्नर पे खड़े रहना, तुम अपने फैमिली मेंबर को कॉल भी कर सकते हो। ये सुन के वो लड़का ओके बोलता है। वो सोचने लगता है, मुझे घर जाने का मन नहीं हो रहा है। वो यूली को बोलता है, सिस्टर आप यहीं पे मेरा वेट कीजिए, मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यूली के लिए फ्लावर खरीद के लेके आया है एंड यूली को बोलता है, ये आपके लिए है। यूली उसे पूछती है, क्या तुमने ये फ्लावर फ्लावर शॉप से खरीदा है? वो लड़का बोलता है, हाँ मैंने सुना है कि लड़कियों को फ्लावर पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये खरीदा है। यूली बोलती है, पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो लड़का बोलता है, आपने मुझे खाना खिलाया जो बहुत ही डिलीशियस था, आपका थैंक यू। कुछ समय पहले मैं गलत था, मुझे आपको वैसे नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज आप मुझसे गुस्सा मत होइए। ये सुन के यूली कोई रिप्लाई नहीं देती है। वो सोचती है, ये बच्चा। देन यूली उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। यूली उस फ्लावर शॉप पे जाती है एंड वो फ्लावर रिटर्न कर देती है। वो लड़का सोचता है, आखिर तुम क्यों रिटर्न कर रही हो? यूली उसे फ्लावर के पैसे वापस कर देती है एंड उसे बोलती है, ये पैसे रख लो, तुम्हें रेकलेसली अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। ये सुन के वो लड़का थोड़ा सैड हो जाता है। यूली बोलती है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे खुश करना बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए खाना खरीदा क्योंकि मुझे मन किया। वो लड़का बोलता है, सिस आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? यूली बोलती है, नहीं, अगर तुम रेकलेसली मनी स्पेंड नहीं करोगे तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अभी तुम्हें ओबीडियंटली अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहिए। ये सुन के वो लड़का ओके बोलता है। इधर हमें आर्केड दिखाया जाता है। उस क्लो मशीन से लियांग बहुत सारे डॉल हासिल कर लेता है। सुयांग उसे बोलता है, तुम्हें सच में डॉल बहुत पसंद है, नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ पे आएंगे तो हम क्लो मशीन के साथ खेलेंगे। ये सुन के लियांग बोलता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है। आर्केड से वापस आने के दौरान यू उन्हें पूछता है, क्या तुम लोग कुछ पीना चाहते हो? सुयांग बोलता है, श्योर, हम पास ही में पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पे कुछ ले सकते हैं। पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट जाने के दौरान सुयांग लियांग को बोलता है, हम लोग तो भूल ही गए थे ब्रदर यू के बारे में। लियांग मन में सोचता है, मैं भी इसके बारे में कम्प्लीटली भूल ही गया था। सुयांग उसे पूछता है, तुम्हें ब्रदर यू के साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लगा? तुम्हारे मन में ब्रदर यू के लिए कैसे फीलिंग्स हैं? लियांग बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसके कंपैरिजन में शायद मैं इन डॉल्स को ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सुन के लियांग हंसते हुए बोलता है, तुम उन्हें डॉल के साथ कंपेयर कर रहे हो? लियांग उसे पूछता है, स्कर्ट पहनना पसंद करना एंड डॉल्स को लाइक करना, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं लड़का नहीं हूँ? सुयांग बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि तुम इन सब चीजों को लाइक करते हो। जेंडर की परवाह किए बिना लड़का कैसा होना चाहिए इसका कोई डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। तुम क्या पसंद करते हो एंड तुम जीने के लिए क्या चाहते हो, ये तुम्हारा फ्रीडम है। ये सब सुन के लियांग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। देन लियांग उसे बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। सुयांग बोलता है, एग्जैक्टली, मेरे डैड हमेशा मेरे कपड़ों को लेके कंप्लेन करते रहते हैं कि ये कपड़े प्रॉपर नहीं हैं। मुझे लगता है हम दोनों का टेस्ट बस अलग है। लियांग बोलता है, मेरे डैड मेरे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं, शायद ये इसीलिए है क्योंकि मेरी मॉम एक डिजाइनर है। सुयांग बोलता है, देखा जाए तो हम दोनों अच्छे लग रहे हैं, क्या तुम साथ में फोटो खींचना चाहते हो? लियांग बोलता है, श्योर। वो दोनों साथ में फोटो क्लिक करते हैं। उन दोनों को देख के यू सोचता है, सडनली वो दोनों फोटो क्यों खींच रहे हैं? तभी वुई उसे मैसेज का रिप्लाई देता है।
हुई उसे बोलता है कि मैंने अभी मैसेज देखा, मेरा हाफ ब्रदर आ गया था, इसीलिए मैं उसके साथ थोड़ा बातचीत कर रहा था। ये देख के यू सोचता है उसके फादर के साइड से उसका हाफ ब्रदर आया था, लगता है कुछ तो सीरियस हुआ है। तभी यूली उसे खाने का पिक्चर सेंड करती है एंड मैसेज में बोलती है कि मैं एक बच्चे का केयर कर रही हूँ, ये बच्चा वुई का हाफ ब्रदर है। ये मैसेज पढ़ के यू सोचता है आखिर मेरी छोटी सी सिस्टर इन सब चीजों में कैसे इन्वॉल्व हुई, आखिर मैंने क्या कुछ मिस कर दिया। देन यू सोचने लगता है वुई का फैमिली सच में कॉम्प्लिकेटेड है। वुई ने मुझे अपने फैमिली के बारे में रफली बताया था, उसने मुझे सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं उसके फैमिली के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हूँ, मुझे पता नहीं मुझे अभी उससे ये पूछना चाहिए या नहीं। मैं वुई का काम खत्म होने का वेट करता हूँ, देन हम दोनों साथ में इसके बारे में बातचीत करेंगे। यू एक पोस्टर को देख के रुक जाता है, वो सोचता है शेंशु पार्क, क्या ये जगह हमारे सिटी में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू वुई के साथ कैफे में है। यू शोक में पड़ जाता है एंड वुई को बोलता है व्हाट, तुम्हारे ब्रदर ने तुमसे रूडली बात किया एंड यूली ने उसे डांटा। वुई उसका माउथ वाइप करते हुए बोलता है तुम आराम से खाओ। यू बोलता है मैंने जहाँ तक सुना है कि तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें हार्म करना नहीं चाहा, वो तो बस एक बच्चा ही है जो सही से बातचीत करना नहीं जानता है। वुई बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। वुई से पूछता है तुमने आज कौन सा गेम खेला। यू बोलता है आज मैं आर्केड गया था दोनों जूनियर्स के साथ। वुई सोचने लगता है जूनियर्स के साथ, क्या वहाँ पे वो जूनियर भी मौजूद था जो यू को लाइक करता था। वुई उसे पूछता है क्या वहाँ पे कोई स्पेशल इंसिडेंट हुआ। यू सोचने लगता है कुछ स्पेशल मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यांग ने ग्लो मशीन से बहुत सारे टॉयज हासिल किए एंड सू यांग एंड मैं बैटल कर रहे थे, खेलने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने आ गया। वैसे तुम कभी भी आर्केड नहीं गए हो ना, नेक्स्ट टाइम जब तुम फ्री रहोगे मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा। ये सुन के वुई बोलता है श्योर। वुई मन में सोचता है लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। यू बोलता है मैं जब वापस आ रहा था मैंने एक पोस्टर देखा, वो पोस्टर शेंशु पार्क के बारे में था जो हमारे सिटी में मौजूद है। तो पोस्टर को देख के मैं शोक में पड़ गया क्योंकि मैं 10 सालों से ज्यादा समय से इस सिटी पे रह रहा हूँ एंड मैंने उस जगह के बारे में कभी भी नहीं सुना। वुई बोलता है मैं वहाँ पे पहले गया था जब मैं हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा था, मेरी मॉम मुझे वहाँ पे लेके गई थी ताकि मुझे प्रेयर्स के जरिए ब्लेसिंग मिल सके, मैं शायद वहाँ पे अगेन जा सकता हूँ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले। यू बोलता है मुझे याद आया थर्ड ईयर हाई स्कूल एंटर होने से पहले हम दोनों साथ में वहाँ पे गए थे प्रेयर करने के लिए, क्या उस जगह का नाम शेंशु पार्क था। उस समय तुम मुझे वहाँ पे लेके गए थे, तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तब मैंने सोचा था कि तुम मुझे कहीं फन प्लेस पे लेके जा रहे हो, इसीलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें फॉलो किया, पर बाद में हमने उस जगह पे धूप जलाए थे। वुई उसे पूछता है क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कहीं डेट पे लेके जा रहा हूँ। यू उसे बोलता है व्हाट, तब हम दोनों ब्रदर्स थे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वुई बोलता है एक्चुअली मुझे गॉड या घोस्ट पे बिलीव नहीं है, शायद तब मैं तुम्हें वहाँ पे लेके गया था क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे सजेस्ट किया था, मेरी मॉम हर साल वहाँ पे जाती है प्रे करने के लिए। यू बोलता है मैंने उस पार्क पे अटेंशन दिया क्योंकि मुझे समर वेकेशन के दौरान उस फॉर्चून टेलिंग आंटी के बारे में याद आ गया था। उस फॉर्चून टेलर आंटी ने हमें बताया था कि एक ऐसी जगह पे जाने के लिए जो डिवाइन स्पिरिट से भरा हुआ होगा, मुझे लगता है इससे उनका मतलब था टेम्पल या ऐसा कुछ, इसीलिए मैं सोच रहा था कहीं वो शेंशु पार्क तो नहीं है। ये सुन के वुई को याद आता है कि उस फॉर्चून टेलर ने कहा था कि फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। वुई बोलता है क्या तुम नेक्स्ट सैटरडे मेरे साथ वहाँ पे जाना चाहते हो, मैं अपना शिफ्ट किसी और के साथ चेंज कर लूंगा। ये सुन के यू बोलता है हाँ श्योर। बातचीत करने के बाद यू अपने घर चला जाता है।
उसके जाने के बाद वही सोचता है, एक्चुअली मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ उस फॉर्च्यून टेलिंग के बारे में। उसने मुझे कहा था कि फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता, पर उसने यू को कहा था कि तुम्हारे सारे वरीज रिजोल्व हो जाएंगे। एंड यू वरी है मेरा कार एक्सीडेंट को लेके। क्या ऐसा नहीं लगता फॉर्च्यून टेलिंग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? पर मैं क्लियर नहीं हूँ, आखिर यू अपने मन में मेरे लिए क्या विश कर रहा है? शाम को वही अपना घर वापस चला जाता है। अपनी मोम को देख के वही बोलता है, आप इतनी जल्दी वापस आ गई। मोम बोलती है, मैं अपना काम खत्म करके वापस घर ही आ रही थी, तभी मैंने ये फाइल रिसीव किया। किसी ने ये फाइल मेरे डेस्क के ऊपर रखा था। फाइल में रखे हुए फोटो को देख के वही बोलता है, ये मिल्क टी शॉप का बाहर का फोटो है, किसी ने सीक्रेटली ये फोटो उठाया है, क्या ये वांग फैमिली का काम हो सकता है? मोम पूछती है, आज आखिर क्या हुआ था? इस फोटो में जो बच्चा है क्या वो वांग फैमिली से है? वी हाँ बोलता है एंड वो अपनी मोम को सारी बातें एक्सप्लेन करता है। सारी बातें सुनने के बाद मोम बोलती है, तो ये सब कुछ हुआ था, ऐसा लग रहा है वांग फैमिली ने मुझे ये फोटो दिया है ताकि वो मुझे वार्न कर सके कि मेरे फैमिली से इंटरेक्ट मत करो। हुई बोलता है, आप परेशान मत होइए, फ्यूचर में हम लोगों के बीच कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, अगर वो लोग अगेन हमारे पास आएंगे तो मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ये सुन के मोम हंसते हुए बोलती है, मेरा यू सच में रिलायबल है। देन हुई बोलता है, मैं कुकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मोम ओके बोलती है। करने के दौरान वो अगेन सोचता है कि फॉर्च्यून टेलर लेडी ने कहा था कि उसका फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। ये सोच के वो थोड़ा परेशान हो जाता है। देन वो सोचता है, मैंने यू को प्रॉमिस किया था, मुझे इस ट्रेजेडी को अवॉइड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक बार ट्राई करना होगा। इसके बाद हमें 1 वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। यू जोर से छींकता है एंड बोलता है, मुझे कोल्ड कैसे हो गया? वही बोलता है, विंटर सीजन आ चुका है। तभी वहाँ पे बस आ जाता है, वो बस के जरिए उस जगह पे पहुँच जाते हैं। उस पार्क में लगे बड़े से पेड़ को देख के यू बोलता है, ये कितना बड़ा एंड मैग्निफिसेंट है। यू सोचने लगता है, थर्ड ईयर हाई स्कूल एंटर होने से पहले मैं वही के साथ इस जगह पे पहले आया था, तब समर सीजन चल रहा था। इसके बाद हमें टाइम ट्रैवल पहले का सीन दिखाया जाता है। तब यू उस बड़े से पेड़ को देख के बोलता है, ये कितना बड़ा पेड़ है। वो वुई को पूछता है, क्या तुम मुझे इस जगह पे लाना चाहते थे? वुई बोलता है, हाँ मैं तुम्हें ये जगह दिखाना चाहता था। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।